अपना मेकअप अपने प्राइमर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जब तक मेरा प्राइमर सेट होगा मैं अपना आई मेकअप फिनिश करूँगी, तो उसके अपने आई को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फिट मी का कंसीलर इन द शेड ऑफ मीडियम। अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज पाउडर यूज कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है आई मेकअप वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हिलेरी और आई शेडो पैलेट से एक ब्राउन शेड पिक करके अपने आउट ऑफ कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई करते हुए लगा रही हूँ और एक क्रीज एरिया क्रीज लाइन तैयार कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करूँ आप भी वही यूज करो, आपके पास जो है आप उससे एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लें। तो आज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एक गोल्डन आई मेकअप लुक। तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड कलर पिक कर रही हूँ, तो एक मैं डार्क ब्राउन शेड पिक करके अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ और एक फेडेड कलर क्रिएट करूंगी। मतलब हल्के हाथों से अप्लाई करते हुए लगाना है हमें। बहुत ज्यादा कलर पिक नहीं करना है। डार्क ब्राउन शेड जो पिक की हूँ उसे अपने आईलिड पे अच्छे से धीरे धीरे करते हुए लगा रही हूँ। अगेन यहाँ पे मैं वही ब्राउन जो लाइट कलर शेड पिक की थी फर्स्ट में उसे फिर से अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे मुझे। सबको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की मदद से इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं अपने फिंगर टिप की मदद से गोल्डन कलर पिक करके अपने आई के सेंटर एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। ज्यादा इंटेंसिटी ले सकूं इसके लिए मैं अपने मेकअप फिक्सर को अपने फिंगर टिप पे स्प्रे करूंगी। उसके बाद मैं गोल्डन कलर पिक करूंगी ताकि गोल्डन कलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिक हो सके। उसके बाद उसे अच्छे से अपने सेंटर एरिया पे अप्लाई करूंगी। जैसा कि एक गोल्ड ब्लैक गोल्डन कलर का स्मोकी आईज है इसलिए अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर पिक करके अपने आउट ऑफ कॉर्नर पे डैब डैब करके धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ। हमें ज़्यादा कलर पिक नहीं करना है नहीं तो हमारा आई मेकअप बिगड़ सकता है, जिसे अपने आउट ऑफ वी पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम ब्लैक कलर को मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूंगी। इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से इन सबको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। तो हमें ऐसे ब्लेंड करना है कि जो हमारा ब्लैक कलर है वो गोल्डन में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं कंसीलर की मदद से इस
से अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ अपना आई मेकअप। अब मैं यहाँ पे अपने मेकअप बेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ कलर एसेंस का मेकअप बेस। इसे डॉट डॉट करते हुए अप्लाई करूंगी तो हमें हमारा मेकअप हमेशा अपने ईयर और नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत फनी दिख रही हूँ अभी मैं, और इन सबको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी। तो डैब डैब करके हमें ब्लेंड करना है। कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पे, और अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं मैबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर का ब्राउन सेट अपने आईब्रो को सेट करने के लिए। यहाँ पे मैं मैबलिन का मास्टर प्लस यूज कर रही हूँ, तो इसमें से मैं दो कलर पिक करके अपने फेस पे स्माइल करते हुए ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। जहां जहां से मुझे हाईलाइट करना है अपने फेस को वहां पे हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक दो सेट यूज कर रही हूँ, तो एक कलर एसेंस का है सेट नंबर 211, एंड उसके बाद यूज करूंगी मैं मैबलिन का स्मोकिंग रेड कलर। अब मैं अपने आईब्रो के नीचे हाइलाइटिंग करूंगी, और अपने आई को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और एक ब्राउन शेड पिक करके एक ब्रश से अपने लोअर लेसेस पे अप्लाई करूंगी, और एक पतली सी विंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। बाद में अप्लाई कर रही हूँ कलर एसेंस का मस्करा, ये बहुत अच्छा मस्करा है, और अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसे अच्छे से सेट कर लूंगी। एंड दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा हेयर स्टाइल कर चुकी हूँ, और एक बिंदी के साथ मेरा ये जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक ही नहीं देते हो, ना कमेंट करते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और जहां तक हो सकता है मैं अपना बेस्ट ही देती हूँ। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो फिर प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।